सुप्रभातम छात्रों, आज दिनांक 24/9/2020 कक्षा षष्ठ विषय संस्कृत पंचम बेला। पिछली वीडियो में सप्तमा पाठ था वृक्षा सत्पुरुषाय, इसी पाठ से संबंधित पाठोच्चारण उसका हिंदी अनुवाद। आज अभ्यास कार्य है पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखे। जो भी प्रश्न दिए हैं अभ्यास कार्य के अंतर्गत, उन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है, वृक्षे किम किम शोभनम भवति, वृक्षों से क्या क्या शोभनीय होता है। तो वृक्षे वनम उपवनम वा शोभनम भवति, वृक्षों से वन और उपवन शोभनीय होता है। खा नंबर का प्रश्न है, संस्कृत भाषायां वृक्षस्य के पर्याया सन्ति, संस्कृत भाषा में वृक्ष के पर्याय कौन कौन से हैं। तो उत्तर है, संस्कृत भाषायां वृक्षस्य अनेके पर्याया सन्ति, संस्कृत भाषा में वृक्ष के अनेक पर्याय हैं, यथा जैसे द्रुमः विटुपः तरु कालपः इति। गणमर का प्रश्न है, वृक्षस्य द्वयो प्रकारो कौ स्तः, वृक्षस्य वृक्ष के दो प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं वृक्ष। तो कल की वीडियो में जब पाठ का पाठोच्चारण और हिंदी अनुवाद किया जा रहा था, तो उसमें बताया गया था कि पाठ के जो वृक्ष के हैं, वृक्ष के दो प्रकार होते हैं, वृक्ष के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो फल देने वाले वृक्ष होते हैं और एक छाया और पुष्प देने वाले वृक्ष होते हैं। जो वृक्ष छाया और पुष्प देते हैं वे वृक्ष फल नहीं प्रदान करते हैं, और जो फल प्रदान करने वाले वृक्ष होते हैं उनसे हमें पुष्प भी प्राप्त हो सकते हैं, फल तो प्राप्त होते ही है, और पुष्प और फल के साथ साथ इसके अतिरिक्त हमें उन वृक्षों से छाया भी प्राप्त होती है। तो वृक्षस्य दो ही प्रकार, फलवत्ता पुष्पविता छाया स्था। तो जो दो प्रकार के वृक्ष हैं वो फल वाले और छाया वाले वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, पंच फलवंता वृक्षाणाम नामानि लिखत, पंच से तात्पर्य पांच, फलवंता मतलब फल देने वाले, वृक्षाणाम मतलब वृक्षों के, नामानि मतलब नाम, लिखत मतलब लिखो, फल देने वाले पांच वृक्षों के नाम लिखो। तो फल देने वाले जो पांच वृक्ष हैं वह है आम्र, जम्बू, लीची, अम्बिका, नारियल इत्यादि, ये आपके फल देने वाले वृक्ष हैं इत्यादि, ये आपके फल देने वाले वृक्ष हो गए। अब अंतिम प्रश्न है, वृक्षा किम किम यच्छन्ति, वृक्षा क्या क्या देते हैं। तो वृक्षा आश्रय छाया यच्छन्ति, वृक्ष आश्रय और छाया प्रदान करते हैं। कक्षा षष्ठ में पढ़ने वाले समस्त भैया और बहन, हमने देखा है कि हम प्रत्येक दिन वीडियो में सूचित करते हैं कि संस्कृत विषय का कार्य निरंतर करते रहें, निरंतर ग्रुप में भेजते रहें। प्रत्येक ग्रुप में एक दो भैया बहनों का गृह कार्य आ जाता है, बाकी जो भी भैया बहन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनका संस्कृत विषय का गृह कार्य बहुत कम ही मात्रा में आता है। इसलिए सभी भैया बहन विशेष ध्यान दें, सभी भैया बहन प्रतिदिन ग्रुप में संस्कृत विषय का कार्य अनिवार्य रूप से प्रेषित करते रहें। अगली वीडियो में हम इसी बात से संबंधित आगे का जो अभ्यास कार्य है उसको लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।